ज्ञान एक ही देते हैं आपका, मतलब यूट्यूब चैनल से देखते देखते थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ है, इसके लिए हम ज्ञान देते हैं कि अपने हिंदू धर्म में मांस खाने के लिए मना करते हैं और दूसरे धर्म में खाने के लिए क्यों बोलते हैं हमारा कहना है और बाकी दूसरे का मालूम नहीं। वो कहते हम ये कहते हैं कि अपना हिंदू धर्म में बोलते हैं मंदिर जाकर पूजा कीजिए, दूसरे धर्म में बोलते हैं मंदिर जाना नहीं चाहिए, प्रसाद नहीं खाना चाहिए और मांस खाओ, मेरे धर्म में आओ चलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ आप जब मांस खाओगे शराब पियोगे आपका बुद्धि भ्रष्ट होएगा तो आप अपना हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाएंगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आप पहले पूजा कीजिए, प्रसाद लीजिए, मंदिर जाइए, जो कि आपका कहीं भी मन भटक रहा है तो पूजा करने से मंदिर जाने से अपना मन भटकेगा नहीं। तो हमारा कहना सही है कि नहीं? सत्संग करना चाहिए, ज्ञान होगा, भगवान के द्वार पर इसलिए जाना चाहिए, मंदिर इसलिए लोग जाते हैं कि वहाँ एक पॉजिटिविटी होती है, शांति होती है। क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं हमारे घर पे, हम गणपति जी बैठाए थे तो बोलना नहीं चाहिए बता रहा हूँ, वो हमारे प्रसाद नहीं ले रहे थे तो हमको बहुत बुरा लगा। तो हमने उनको समझाया कि आप प्रसाद खाएंगे पूजा करेंगे तो आपका जहाँ मन भटका हुआ है वो आपका मन वापस आ जाएगा। लेकिन वो बोलते आपके रिश्तेदार धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। हाँ, एक काम करना उनको लेके आना यहाँ। वो नहीं आएंगे गुरु जी, मैं बहुत प्रयास से अपने घर पे गणपति जी बैठाया था, अपने घर पे उनको बहुत जबरदस्ती मैंने बुला। तो कितने लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं? हमारे पहचान के कम से कम 20 जन किए होंगे और उसमें से मैं 3-4 जन को वापस ला चुका हूँ, 3-4 जन को वापस ला चुका हूँ। अभी जो हमारे खास है जो जिस वो अभी किए हैं और हमने उनको समझाया भी है कि आप जब पूजा करेंगे, वो बोलते हैं दूसरे धर्म में कि प्रसाद नहीं लेना चाहिए। मैं उनको समझाता हूँ क्यों बोलते हैं प्रसाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर प्रसाद खाओगे पूजा करोगे तो आपका मन शांत रहेगा, कहीं जाने की इच्छा नहीं करेगा। आप वही चीज़ वो लोग मना ही करते हैं कि नहीं खाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए मंदिर। ऐसा मैं उनको आदेश देता हूँ कि आप हिंदू धर्म हो तो अपना हिंदू धर्म निभाइए। भाई स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में रह के मर जाना अच्छा है, अपने धर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं खुद अनुभव किया हूँ, मैं खुद चर्च में गया हूँ, मैं खुद मांस खाता था और ड्रिंक भी करता था। मेरा काम ऐसा है, मैं चश्मे का काम करता हूँ, कलर मारता हूँ और हमारा काम ऐसा है, फिर भी मैंने पूरा आपको सुनते सुनते मैंने अनुभव किया कि नहीं।